के स्टार्ट करते हैं क्लास लेकिन प्रीवियस वाले के टॉपिक को रिकॉल करने के बाद है ना ठीक है डायरेक्ट आंख पे लग रहा है थोड़ा सा सेंसिटिव है इसलिए आज चश्मा लगा लिए और तो कोई दूसरा रीजन नहीं है मेरे लाल बाल गोपाल सो so, इससे पहले के टॉपिक के अंदर हमने ये देखा वी हैव लर्न अबाउट दी वेव रेक्टिफायर सर्किट एज यू कैन सी दिस इज द रियल डायग्राम रियल पिक्चर ऑफ दैट सेमी कंडक्टर का पांचवा क्लास था जिसके अंदर हमने दो डायोड लगाए थे किसी भी एक टाइम पे डायोड डी वन फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो डायोड डी टू रिवर्स बायस में रहेगा यानी एक टाइम पे एक डायोड एक्टिव रहेगा तो पूरी की पूरी करंट उसमें से पास होगी और आई इंटू आर एल को मल्टीप्लाई करते ही मेरे लाल आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा तो ये देखिए अगर ये इनपुट वेव फॉर्म है तो उसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव पे आपको मिल रहा है नेगेटिव पे फिर मिल गया पॉजिटिव पे फिर मिल गया फिर नेगेटिव पे फिर मिल गया इसका मतलब तो ये है मेरे लाल बाल गोपाल कि ये फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट है ओ हो हो ये फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट इसीलिए सर जी क्योंकि डायोड डी वन फॉरवर्ड बायस था चमकीला अच्छा चमक रहा है ठीक है डायोड डी वन फॉरवर्ड बायस है बाद में डायोड डी टू क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा किसी भी एक टाइम पे दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस रहेंगे अरे क्या तुम लोगों के मेरे को कमेंट दिखाई नहीं दे रहे भाई साहब क्या मैं लाइव हूं मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है बट मैं पढ़ाऊंगा तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस था इसके बाद और क्या डिस्कस किए थे हम लोग और डिस्कस किए थे फिल्टर सर्किट फिल्टर सर्किट में क्या था बच्चा पार्टी थोड़ा रफ्तार में देख ले मेरे लाल बाल गोपाल फिर पूरी कहानी एकदम रफ्तार में सुना दूंगा फिल्टर सर्किट के अंदर हमने देखा कि फुलवर सर्किट से जो भी आउटपुट मिलता है उसके अंदर कुछ हद तक एसी रहता है कुछ हद तक डीसी रहता है बट अपने ए सी को पूरी तरह से छान के अलग करना है पूरी तरह से डीसी में जाना है तो हमने क्या करा कि यहां पर एक कैपेसिटर लगा दिया अब वास्तविकता में ए और डीसी में से एसी को पता है कि ये मेरा भाई भाई है क्योंकि कैपेसिटर में पॉजिटिव नेगेटिव होता था ए के पास भी पॉजिटिव नेगेटिव होता था खुशी के साथ उसको देखता है लेकिन भाई साहब कैपेसिटर हमने ऐसा लिया कि

इन द फिल्टर सर्किट ओ हो हो ये भी बातें सर समझ में आ गई अब पूरे चैप्टर को रफ्तार में कहानी के तौर पे सुना रहा हूं ध्यान से सुनिए हम लोगों ने सेमीकंडक्टर स्टार्ट किया था सबसे पहले मैंने आप लोगों के बताया था कि सेमीकंडक्टर खास बात क्यों है क्योंकि सेमीकंडक्टर के अंदर अगर आप चार्ज मोशन को कंट्रोल कर लेते हो तो फिर आपके हिसाब से वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन मिलने लगेगा सबसे पहले मैंने ये बताया मेरे लाल बाल गोपाल सिलिकॉन के पास में वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स एस टू थ्री पी टू होता है लास्ट वाले और चार इटर जुड़ सकते हैं अगर चार इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ सकते हैं तो गोल्डन बॉन्ड बना सकते हैं गोल्डन बॉन्ड के अंदर सारे इलेक्ट्रेन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते रहते हैं जैसे जीरो डिग्री केल्विन टेंपरेचर के बाद ते तो सारे लेटर बॉन्ड के अंदर कोई भी लेटर फ्री नहीं है इसका मतलब है कि वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा

सॉरी डोनर होता है डोनर हमेशा कंडक्शन के ठीक नीचे होता है पी टाइप में अगर हम बात करें तो उसके अंदर एक्सेप्टर होता है एक्सेप्टर बैलेंस बैंड के नीचे होता है बैलेंस बैंड है जहां पर एनर्जी बहुत ही कम होती है कंडक्शन बैंड हुआ है मेरे लाल गोपाल जहां पर एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है फिर मैंने आपको पढ़ाया फॉर एंड रिवर्स फॉरवर्ड का मतलब एक्टिव मोड एक्टिव मोड का मतलब होता है पॉजिटिव को पॉजिटिव नेगेटिव को नेगेटिव जोड़ा ऐसा जुड़ने से होता है कि इंटर बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले बैटरी के इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट हो जाता है जिससे वैल्यू बहुत कम हो जाती है पोटेंशियल छोटा हो जाता है और इलेक्ट्रॉन आसानी से जंक्शन को क्रॉस करके जा सकता है यानी कि करंट बनाएगा रिवर्स के अंदर इसका ठीक उल्टा होता है मेरे लाल बाल गोपाल थोड़ी सी करंट बनती है थोड़ी सी करंट जो बनती है वो रिवर्स

तो आपको पढ़ा दिया हो मेरे बच्चा लोग तो आप जाकर के चैनल के प्ले को विजिट करोगे तो अगर आपको पढ़ना है ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर का काम कैसे होता है ट्रांजिस्टर की कैरेक्टर क्या है वो सब कुछ मिलेगा इस बार सिलेबस में नहीं है तो अब उसे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है बट जो स्टेट बोर्ड के बच्चा लोग हैं वो जरूर ये है सेमीकंडक्टर आज खत्म कर देंगे इसको क्योंकि देखिए जो स्टेट बोर्ड के बच्चा लोग हैं वो ध्यान से सुन लो लेक्चर नंबर सिक्स स्पेशली दबंग बैच के अंदर जो स्टेट बोर्ड के बच्चा लोग हैं सी बी एस ई की ज़्यादा संख्या है सी बी एस वाले मेरे लाल बाल गोपाल सुने सेमी कंडक्टर के आगे आगे ट्रांजिस्टर प्रीवियस ईयर में कट चुका है वो नहीं है ट्रांजिस्टर की पूरी ग्रैक्टरी स्टूड आ दी गई है ट्रांसजेसर स्विच ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर और ट्रांजिस्टर की और भी बहुत सारी तरीके काम कैसे करता है ट्रांजिस्टर है क्या वो पूरा उड़ चुका है ठीक है तो ट्रांजिस्टर नहीं करना अपने को उसके बाद डायोड है वो भी नहीं करना है अगर इंटरेस्ट है हाँ गुड आफ्टरनून मनन नारायण कैसे हो बच्चा ए मेरे लाल बाल गोपाल अगर इंटरेस्ट है ट्रांजेक्शन वगैरह पढ़ना है तो यूट्यूब पे अपने चैनल पर यानी आपके चैनल पर एस पर सारी टॉपिक अच्छे से अवेलेबल है थोड़ा मेरा फेस डिफरेंट होगा मतलब मेरी अवस्था जो होगी डिफरेंट होगी क्योंकि दो तीन साल पहले के बाबा एस है

सन की लाइट उस पर पड़ती है तो फिर आप उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हो यस yes, ये सब जानते हैं अच्छे से तो हम सबसे पहले इसकी बात ये जानते हैं कि ये लाइट एनर्जी को जो कि सूर्य के प्रकाश से मिलता है भगवान सूर्य देवता से मिलता है वो लाइट की एनर्जी को बच्चा किस में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बिल्कुल ऐसे ही याद रखना है आपको एक एक लाइन सो इट कन्वर्ट्स द लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओके दूसरी बात दूसरी सबसे खास बात कि सोलर सेल के अंदर कंस्ट्रक्शन क्या होता है मतलब ऐसे तो आपने देखे तो हैं बट सोचिए क्या फिनोमिना है यार जबरदस्त फिनोमिना है कि लाइट पड़ती है लाइट पड़ती है और लाइट पड़ने के बाद मतलब इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है गजब इसको समझने के लिए हमें इसका कंस्ट्रक्शन समझना पड़ेगा तो मैं आपको इसका डायग्राम समझाता हूँ बहुत ध्यान से देखना मेरे लाल ध्यान से अब इसका डायग्राम बच्चा कि कैसा होता है मैं आपको थ्री पिक्चर में इमेजिन करवाता हूँ नंग 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 नंग। ध्यान से देखिएगा मेरे लाल बाल गोपाल सिया बल रामचंद्र चंद्र की जय हो यस बच्चा ध्यान से देखिए ध्यान से देखिए ध्यान से देखिए ध्यान से देखिए वास्तविकता में जो हमारा सोलर पैनल होता है ना जादू हाँ वो कुछ इस तरह का होता है जैसे ये सेलफोन है उस तरह का रुको मैं तुम्हें रिमोट से समझाता हूं ऐसी इस तरह से एक पैनल होती है उसके ऊपर उसके ऊपर एक ये चीज लगी हुई है ये क्या है शीट है एक और नीचे थोड़ा सा आप देख रहे हैं थिक स्ट्रक्चर है वो क्या है तो मैं आपको बताऊं वास्तविकता में हमारा जो सोलर पैनल होता है वो पीएन जंक्शन डायोडी है जिसको सन के साइड में रहना है द साइड हैज टू फेस द सन जिसको भगवान सूर्य का आशीर्वाद मिलने वाला जो सूर्य के प्रकाश की तरफ रहेगा वो वाली जो चिप होगी बच्चा वो बहुत पतली होगी और हम उसको एन टाइप नाम दे रहे हैं एन टाइप और नीचे वाला आपका क्या है पी है तो बेसिकली एन पी से बनेगा क्या पीएन जंक्शन डायोड फिर से सुनो जो साइड सन की तरफ रहने वाला है वो एन है उसके नीचे वाला पी है पी एन जंक्शन ही है ओके अब बात को बहुत ध्यान से सुनना इसमें तो हालांकि बहुत सारी चीजें हैं बट मैं आपको एक एक करके बारीकी से समझाता हूं अगर आप पीएन जंक्शन डायोड का स्केच बना लो पहले से तो ये जानकारी आप लोगों को ऑलरेडी मैंने पहले से भी दे रखा है कि पी एन जंक्शन डायोड में हमेशा बीच में क्या बनता है ये पी या आपका एन पी में मेजोरिटी होल्स होते हैं एन में मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक होल बना दो माइनॉरिटी और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बना दो आप मुझे बताइए कि ये डिपार्टमेंट क्या है डेपलेशन लेयर ओ हो हो ये चीज क्या है लेयर ये क्या है डेप्लेस लेयर अच्छा बहुत बढ़िया शानदार बात मेरे बच्चा लोग अच्छा एन के डिपार्टमेंट में यहां क्या प्लस रहता है क्या इधर प्लस रहता है क्या इधर माइनस रहता है जी सर बिल्कुल रहता है प्लस माइनस है ठीक अब मैं क्वेश्चन पूछने वाला उस क्वेश्चन को ध्यान से सोच समझ के बताना यूट्यूब पे जो भी मेरे बच्चा लोग देख रहा है उसको वीडियो को रोक करके ध्यान से नहीं है नहीं है वेरी गुड देर इज नो चार्ज कैरियर इन द डिप्रेशन लेयर तो क्या कुछ भी नहीं है कि न्यूट्रल एटम है न्यूट्रल एटम ये बात हुई ना इसमें क्या है न्यूट्रल एटम है और न्यूट्रल एटम था कौन सिलिकॉन जिसके ऑर्बिट में चार इलेक्ट्रॉन थे ये आपका हो गया न्यूट्रल एटम ये मस्त बड़ा बैठा हुआ है भाई साहब अब होता यह है कि जब सनलाइट पड़ती है वी तो क्या सनलाइट क्या एनर्जी लेके आती है अपने साथ गुड क्या सनलाइट वाली एनर्जी क्या सनलाइट वाली एनर्जी ई इज इक्वल टू एच एफ होती है बच्चा पार्टी सोच so, समझ के बताइय मेरे लाल ओ हो हो जी सर जी सनलाइट वाली एनर्जी एच एफ बोली जाती है अच्छा तो जब ये एनर्जी आती है जब ये एनर्जी स्ट्राइक करती है यहां पे डेप्लेशन लेयर में जब ये एनर्जी ऐसे आती है ऐसी आती है ऐसी आती है और यहां पर डेप्लेशन लेयर यहां कहीं पर है जहां पर एन और पी मिल रहे हैं ये उसका रियल डायग्राम है बच्चा तो यहां कहीं पर जब वो मिलता है तो फिर वो सीधा इंपैक्ट किस पर डालता है न्यूट्रल एटम पर यस गैस ऑन अब सुनिएगा बहुत ध्यान से ये जो सनलाइट है वो अपनी एनर्जी लेकर के आया और फिर इसको स्ट्राइक कर गया किसको कोई भी एक इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक कर गया अब इलेक्ट्रॉन का नेचर तो ऐसा होता ही है यार कि मुझे कोई एनर्जी देगा तो मैं तो निकल ही जाऊंगा इलेक्ट्रॉन तो हमेशा इसी था में रहता है कि कोई एनर्जी ला करके दे तो वो निकल जाए ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा अभी दबा करके निकल जाएगा जब ये इलेक्ट्रॉन इधर निकल करके आ गया तो क्या आप ऐसे इलेक्ट्रॉन को बच्चा लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोलोगे सोचो 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 क्या दिस इलेक्ट्रॉन इज फ्री ओ हो हो प्लस ये इलेक्ट्रॉन निकला प्लस इसके साथ साथ ये जो आपका सिलिकॉन था जिसमें यहां इलेक्ट्रॉन थे यहां इलेक्ट्रॉन थे यहां एक इलेक्ट्रॉन थे लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन जा चुका है तो क्या यहां पे होल बन गया यह सुनो में जवाब दीजिए यस तो इस प्रोसेस को क्या बोलोगे कि न्यूट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन और होल में बदल जाना क्या दिस प्रोसेस इज आयोनाइजेशन ऑफ द एटम बिकॉज ऑफ द सनरेज फॉलिंग ऑन द सरफेस बहुत ही शानदार और खूबसूरत सा टॉपिक है हा सर जी आनंद आ गया अब सुनिए जैसे ही आपका फ्री इलेक्ट्रॉन और होल बना तो क्या हम होल को कंसिडर करते हैं एक तरह का पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन को हम कंसिडर करते हैं एक तरह का नेगेटिव आयन यस और नो मेरे लाल बाल गोपाल बिल्कुल अब जवाब दो सोचो समझो और जवाब दो कि ये जो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बनने का प्रोसेस हुआ और एक होल बनने का प्रोसेस हुआ क्या इनके ऊपर पहले से एक बाप मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव जी सर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाता है ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू सो एफ इज इक्वल टू क्यू इन टू ई आंसर है बिल्कुल सर कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाता है हाँ, क्या फोर्स लगने से चार्ज पार्टिकल का मोशन होता है फिनोमिना बहुत डेफ्त वाली है जी सर अब सोच के बताइए कि ये जो इलेक्ट्रॉन बना और ये जो होल बना ये इलेक्ट्रॉन किस तरह भागने की कोशिश करेगा आपको नहीं लगता मेरे लाल कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव की तरफ घुसेगा और सीधा एन के अंदर घुस जाएगा और ये जो होल है वो यहां पर माइनस बना हुआ था इसलिए वो इस तरफ घूम जाएगा बोलो चमचम चमकीला -चम अरे लागीला 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 ओ हो हो फिर से समझिए पूरी बात को ये स्ट्रक्चर था इस स्ट्रक्चर से समझ में नहीं आएगी बातें नॉर्मल बातें समझिए सनरेज आया डेप्लेशन लेयर पर पड़ा न्यूट्रल एटम है इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन और होल पॉजिटिव आयन इन आयन पे लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स फोर्स से होगा मोशन इलेक्ट्रॉन एन में चला गया होल पी में चला गया तो क्या अल्टीमेटिकली अरे मेटली 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 क्या वास्तविकता में एन और पी में चार्ज कैरियर्स बढ़ गए बच्चा ये सारे पॉइंट्स लिखते जा रहा हूं मैं क्या चार्ज कैरियर बढ़ गए सोच समझ के जवाब देना क्या चार्ज कैरियर बढ़ गए ओ हो हो अगर चार्ज कैरियर बढ़ गया तो क्या इसका मतलब है कि करंट भी बढ़ गया बढ़ गया बिल्कुल बढ़ गया तो यही तो हमारा टास्क था बेसिकली हम सोलर सेल का काम क्या करना चाहते थे सन लाइट आए और करंट बनाए तो करंट बनाने के लिए आप यहां पर एक वायरिंग कर दो और यहां पर एक वायरिंग कर दो यहां लाइट लगा दो भाई साहब लाइट चालू हो जाएगा घड़ी की सेल लगा दीजिए वो चालू हो जाएगा क्या कैलकुलेटर क्या, क्या, का सेल बना लो वो चालू हो जाएगा इससे आप डिपेंड करता है कि जितना बड़ा पैनल होगा जितना ब, बड़ा पैनल होगा क्या चांसेस ऑफ चार्ज कैरियर उतना ज़्यादा होगा इसीलिए आप आजकल देख रहे होंगे कि घरों के अंदर लोग इसका यूज़ बहुत बड़े लेवल पर करते हैं क्योंकि ये बिजली भी बच, मतलब खर्च बहुत ज़्यादा कम कर देता है जितना बड़ा पैनल होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी तुम बना सकते हो बहुत छोटे लेवल का होगा तो बहुत छोटा होगा 0.5 पॉइंट वोल्टेज जीरो वोल्टेज बट डिपेंड्स कि जितना बड़ा पैनल होगा उतना ज़्यादा इसका Uh, क्या कहते हैं कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा अब एक और खूबसूरत सी प्यारी सी बात समझें आप जब कभी भी सोलर पैनल देखेंगे मैं आपको दिखा भी दूं। देख बच्चा दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे कुछ कुछ दिख रहा है जादू ये तुम्हारा मास्टर आ गया भाई साहब फील के साथ क्लास लेकर के क्या बोलते हो यार तो ये जो आप शेप देख रहे हो ना इसको ध्यान से देखो आप इसमें बहुत सारी आपको लाइन दिखाई दे रही होंगी लाइन दिख रही है क्या <coughs> सिल्वर कलर की चिप लाइन दिखाई दे रही है सभी को यस yes. ये लाइन बच्चा इसको ना मेटल फिंगर्स बोलते हैं ये मैं आपको यहां पर करके दिखाता हूं वो वास्तविकता में ऐसी ऐसी बहुत सारी लाइनें आपको उसमें दिख रही है रियल वाले सोलर पैनल में हम हमारे फिजिक्स की भाषा में उसको कैसे लिखना है वो मैं आपको समझाता हूं ये इस तरह से इसमें आपने देखा ये देखिए ऐसा दिख रहा है सभी को ये क्यों है उसके पीछे भी लॉजिक है दैट लॉजिक आई एक्सप्लेन ध्यान से समझिए इसको बोलते हैं मेटल फिंगर रॉड वास्तविकता में ये कंडक्टिंग रॉड होते हैं इसका क्या जॉब है मैं आपको वो समझाता हूं देखो बच्चा समझना ध्यान से जब सनलाइट आती है तो चार्ज कैरियर्स बनता है यस और नो वो चार्ज कैरियर को चलने के लिए क्योंकि जब तक चार्ज कैरियर मूव नहीं करेगा आप यहाँ लाइट लगा भी देंगे तो भी वो चालू नहीं होगा क्योंकि चार्ज कैरियर चलेगा ही नहीं तो आप करेंट कैसे बनाएंगे उसको रास्ता चाहिए इट रिक्वायर्स अ पाथ है ना गुड कंडक्टिंग पाथ तो हम लोग करते क्या है कि सोलर पैनल के ऊपर इस तरह से मेटल फिंगर्स लगा देते हैं तो होता यह है कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकलता है वो जहां पर भी जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पैदा हुआ तो वो इस वाले कंडक्टिंग रॉड को फॉलो कर लेगा अगर यहां पैदा हुआ तो इसको कर लेगा यहां पैदा हुआ तो इसको कर लेगा अब आप बोलोगे कि सर उसको क्यों करेगा पहले से ही तो हमारे पास एन लेयर थी जिसमें इलेक्ट्रॉन है बट वहीं पे फिजिक्स छुपी हुई है एन टाइप एक सेमी कंडक्टर है और ये एक कंडक्टिंग रॉड है किसकी रजिस्टेंस ज्यादा है सेमी कंडक्टर की या कंडक्टर की सेमीकंडक्टर की तो करंट ज्यादा बेहतरीन किसमें से चलेगा इस मेटल फिंगर रॉड से या सेमीकंडक्टर से मेटल रॉड से और यही सबसे बड़ा लॉजिक है कि क्यों मेटल रॉड्स लगाना पड़ता है जब हम सोलर पैनल बनाते हैं तो बात आई समझ में तो अब ये भी दिमाग में क्वेश्चन बनना चाहिए कि सर अगर मेटल रोड इतना ही अच्छा है तो हम क्यों नहीं कर लेते डायरेक्ट सन को मतलब डायरेक्ट ही गिरा नहीं देते मतलब क्यों हम लोग पूरा पूरी पूरी कवर क्यों नहीं कर देते कंडक्टिंग रॉड से मेटल रॉड से जवाब क्या देंगे आप लोग इसका अगर आप पूरा कंडक्टिंग रॉड ही लगा देंगे तो सनलाइट तो गिरेगी ही नहीं और गिरेगी भी तो पेनिट्रेट होकर के कहा नहीं पहुंचेगी डेपलेशन लेयर पे नहीं पहुंचेगी सर oh, oh, oh. जी अगर वो डेप्लेशन देखो पूरा गेम किसका है पूरा गेम है ना इस इस डेपलेशन लेर का है क्योंकि जब तक वो रेज यहां नहीं पहुंचती तब तक ये जादू होने वाला नहीं है उसको पहुंचाने के लिए इस वाले लेर को पतला रखा जाता है जो सन के साइड में हो अगर वो भी बहुत मोटा होता तो क्या सन रेज डेप्लेशन लेयर से पहुंचने से पहले ही टकरा करके अपनी कुछ एनर्जी लॉस कर चुकी होती है सोनों में जवाब दी भला करें तो ये दो बहुत खास बातें हैं और ये एग्जामिनर को बहुत अट्रैक्ट करती है सिंपल भाषा में लिखना होता है सटीक लिखना होता है और शानदार लिखना होता है आप सबसे पहले ये लिखेंगे कि सोलर सेनर जो सोलर सेल है या पैनल है वो चीज़ क्या है उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है फिर कंस्ट्रक्शन में आप क्या क्या डायग्राम बना देंगे उसमें आप लिखेंगे द सेमी कंडक्टर हु पतला होता है क्यों जस्ट टू पास आउट दर एंटायर इन टू द डेप्लेशन लेयर बोलो चमचम चमकीला एब एन टमी कंडक्टर वी हैव अ मेटल फिंगर रॉड जस्ट टू मेंटेन द पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चमचम चमकीला वेरी गुड फिर उसके बाद आप ये फिनोमिना पूरा समझाएंगे कि एज द सनलाइट लाइट एंटर्स इंटू द डेप्लेन लेयर वी हैव अ न्यूट्रल एटम बिकॉज ऑफ ई इज इक्वल टू एच एफ देर विल बी द आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एंड होल एंड देन इलेक्ट्रॉन विल एंटर इंटू द एन टाइप सेमी कंडक्टर एंड होल विल एंटर द इंटू दीपी कंडक्टर बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट इन द डेप्लेन लेयर दिस एग्जैक्टली हैपन्स इन सोलर सेल बोलो चमचम चमकीला चम पी टाइप को भी ऊपर कर सकते हैं ये कोई वो नहीं है कि एन टाइप या पी टाइप में से किसको ऊपर रखे बट अब वहीं पर एक बेसिक बात सोच लीजिए हम ऊपर रख सकते हैं पी को लेकिन हमने सेमीकंडक्टर में सिर्फ ऐसा बोला है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बिहेव करता सॉरी जो आपका होल है दैट विल बिहेव लाइक अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बट इन रियलिटी वो चलता नहीं है हाँ हालांकि हम उसको रख सकते हैं बट उसकी जो इफिशियंसी है ना वो उभर के इतनी नहीं आएगी बोलो चमचम चमकीला चम लागी लागी ला गुड वन अब दूसरी बात समझते हैं आ जाइए अब हम बात करते हैं बच्चा फोटो डायोड की ये सब पीएन जंक्शन डायोड ही है फोटो डायोड नाम से पता चल रहा है भाई कि इसमें फोटो है फोटो खींचने वाली फोटो नहीं इसमें फोटो लाइट है तो बेसिकली ये भी इसी फिनोमिना पे काम करता है कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और दूसरी सबसे खास बात कि ये हमेशा रिवर्स बायस मोड पे ही काम करता है क्यों रिवर्स बायस मोड लिया है वो अभी आपको समझ में आएगा पहले इन बातों को याद करिए कि फोटो डायोड एक ऐसा डायोड है जो हमेशा रिवर्स बायस पे काम करेगा हमेशा लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा बोलो ये बात क्लियर हुई अब ये क्या चीज है तो वो आपको समझाता हूं अच्छे से फोटो डायोड क्या है देखिए ध्यान से हमने अभी थोड़ी देर पहले ये देखा नॉर्मल डायग्राम ऑफ पी एन जंक्शन डायोड ये आपका पी टाइप सेमी कंडक्टर या आपका एन टाइप सेमी कंडक्टर यह हर बार बना ही दिया करो बच्चा होल्स ज्यादा है एक इलेक्ट्रॉन दिखा दो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है इसमें आप एक होल दिखा दो ये पॉजिटिव 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 ये नेगेटिव 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 इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम प्लस टू माइनस ठीक है चलो ये बात भी सर समझ में आ गई अब फोटो डायोड में क्या सिचुएशन है उस चीज को समझिए बहुत ध्यान से वास्तविकता में इस डायोड में यहां से एक लाइट आता है सनरेज सनरेज नहीं कोई भी लाइट समझिए अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी वाली एक लाइट आती है ये लाइट अपने साथ फिर से क्या लेके आ रहा है बिल्कुल पहले जैसा ये लाइट अपने साथ एनर्जी लेके आ रहा है एनर्जी की वैल्यू है इज इक्वल टू एच एफ और डेप्लेशन लेयर में कौन है डेप्लेशन लेयर में है मेरे लाल बाल गोपाल एक न्यूट्रल एटम सिलिकॉन और उसके लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन सोनो एच एफ इज एनर्जी ऑफ द लाइट एच इज प्लाइंग थर्टी फोर जूल पर सेकेंड एच एफ इज एनर्जी केमिस्ट्री में रहोगे एच म्यू जिसको आप बोलते हो मैं फ्रीक्वेंसी रहने के लिए एफ लिखता हूं ताकि हर सभी को समझ आए अब सुनिए बिल्कुल सोलर सेल जैसा इसलिए दोनों को साथ में लिया मैंने अब न्यूट्रल एटम के ऊपर जब ये लाइट एनर्जी पड़ता है तो फिर वापस इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है और ये बन जाता है एक तरह से एक, एक होल या आपका सिलिकॉन इस तरह से तो ये आपका पॉजिटिव आयन की तरह एक्ट करेगा ये नेगेटिव आयन की तरह एक्ट करेगा बोलो पिक्चर क्लियर है फिर से देखिए फोटोडायोड में यहां पर से एक लाइट आया यहाँ पर न्यूट्रल एटम है उसने उसको आयनाइज कर दिया एक माइनस बन गया और एक प्लस बन गया ये माइनस अट्रैक्ट हो जाएगा इधर चला जाएगा ये प्लस इधर अट्रैक्ट हो जाएगा यानी अल्टीमेटली इसमें होल आ गया और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो फिर से क्या चार्ज कैरियर बढ़ गए अब आप बोलेंगे सर ये बिल्कुल पहले जैसा लग रहा है बट समझना बहुत डिफरेंट है थोड़ा सा ही। चार्ज क्या हो गया बच्चा पार्टी बढ़ गए तो अल्टीमेटली क्या करंट थोड़ा सा राइज हुआ बहुत ज्यादा नहीं मैंने बोला थोड़ा सा राइज हुआ बढ़ेगा यस ऊपर से हमने कहा था कि ये कौन से बायसिंग में है रिवर्स बायसिंग में यानी पी को माइनस दे दीजिए और इसको दे दीजिए प्लस और यहां पर आपने लगाया है एक गैल्वेनोमीटर और साथ ही साथ में एक कंप्यूटर रखा है आपने प्रोग्रामिंग कर दिया है ये कंप्यूटर क्या करता है सिग्नल को रीड करता है कि ये जो एमीटर है उसकी करंट कितने बार राइज हुई है ध्यान से सुना मैं क्या बोल रहा हूं एक कंप्यूटर है कंप्यूटर के अंदर सिग्नल फिट किया है मतलब प्रोग्रामिंग सेट किया है वो मेजर कर रहा है जैसे आजकल टेम्परेचर मेजरिंग के इंस्ट्रूमेंट आ गया ऑक्सीमीटर से आप ऑक्सीजन मेजर कर लेते हो वैसे ही एक कंप्यूटर है जो सिग्नल को रीड कर रहा है कि कितने बार एमीटर करंट को बढ़ाता हुआ दिखा रहा है अब ये रिवर्स बायस मोड है क्या रिवर्स बायस मोड में कोई भी करंट नहीं चलती या थोड़ी बहुत करंट चलती है थोड़ी बहुत क्या वो रिवर्स बायस की जो करंट है आई रिवर्स बायस वो कुछ माइक्रो एम्पियर की होती है एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ट्वेंटी माइक्रो एम्पियर जस्ट कंसिडर करा है यस गुड पॉइंट तो अब रिवर्स बायस के अंदर करंट चल रहा है दैट टू ऑफ वैल्यू ऑफ ट्वेंटी माइक्रो एम्पियर होगा क्या इस बात को ध्यान से सुनना अगर मैं यहां पर हाथ रख दूं तो क्या लाइट आएगा नहीं जैसे ही मैं यहां से हाथ हटा दूं लाइट आया न्यूट्रल एटम को एनर्जी दिया इलेक्ट्रॉन होल बने इलेक्ट्रॉन इधर गया होल इधर गया तो सडनली करंट जो पहले से कांस्टेंट था याद करो 20 माइक्रो एंपियर रिवर्स बायस के अंदर बढ़ेगा नहीं कांस्टेंट रहेगा बट क्योंकि लाइट आ गया तो उससे ये 20 माइक्रो एम्पियर हो सकता है 30 माइक्रो एम्पियर हो गया हो सकता है एग्ज़ाम्पल के तौर पर अब अगर एक सिग्नल को रीड कराया गया कंप्यूटर के अंदर देखा गया तो कंप्यूटर ये चेक करेगा कि करंट 30 हुआ फिर 20 है फिर 20 20 20 30 है फिर 20 20 20 20 फिर 30 है फिर 20 20 20 20 20 क्या ये कंप्यूटर ये बता सकता है कि कितने बार इस ग्राफ को देख करके कितने बार कितने बार यहाँ पर कोई आदमी ने हाथ रखा है क्या वो जितने बार ऊपर गया है एक दो तीन वो रीड कर लेगा तीन बार एग्जैक्टली exactly यही चीज का यूज किया जाता है जब आप बैंक में जाते हो नोट काउंटिंग मशीन आपने सुना होगा सुना है यस आपने ये भी देखा होगा कि नोट काउंटिंग मशीन के अंदर इतनी मोटी सी गड्डी उस मशीन में डाली जाती है और उसमें से पहले से एक लाइट स्पेशली एक लाइट चलती रहती है नीली कलर की है, कोई ग्रीन कलर की लाइट चलती रहती है वास्तविकता में लाइट गिरदी गिरी है ठीक है अब होता क्या है कि जब नोट का बंडल नीचे से एक स्लाइडर लगा होता है जो नोट को धीरे धीरे फेंकता है तो जब एक नोट जाता है तो लाइट एक बार कटती है जब दूसरी नोट जाती है तो लाइट दोबारा कटती है तीसरी नोट जाती है तो तीसरी बार कट जाती है तो धड़ाके से वो काउंट कर लेता है हमारा कंप्यूटर की 200 या 2000 की गड्डी इतनी बार है ये चीज किया किसने इस सिस्टम ने ये चीज कौन है फोटो डायोड फोटो डायोड कौन है पीएन जंक्शन डायोड पीएन जंक्शन डायोड कौन है सेमी यही चीज का यूज किया जाता है किसी भी एयरपोर्ट पर या रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक मशीन लगा दी जाती हमें पता भी नहीं होता आप यहां पर जैसे मान लो मैं आपको बताऊं जैसे मान लीजिए यहाँ पर फोटो डायोड है और यहाँ पर से एक लाइट आ रही है वो हमें दिखाई भी नहीं देगी कभी कभी नहीं दिखाई देगी क्योंकि उसके वेव्स की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है अब मान लो एक आदमी ऐसे आया लाइट कटी सिग्नल नीचे गया कंप्यूटर रीड कर लेगा कि एक आदमी फिर वापस कोई दूसरा आदमी घूमते गया उसको क्या पता कि यहाँ पर पी जंक्शन डायवर्ट रखा और यहाँ पर एक लाइट कंटिन्यूस जा रही है वो आदमी गया लाइट दोबारा कटी तो इससे हम क्या काउंट कर सकते हैं इससे हम निकाल सकते हैं कि पूरे दिन में रेलवे स्टेशन पे कितने आदमी आए थे प्लेटफॉर्म पे कितने लोग थे कितने लोग एयरपोर्ट पे थे नोट काउंटिंग मशीन ये तो मैं सिर्फ इक्का तुक्का एग्जाम्पल बता रहा हूँ बच्चा लोग सेमी पे पूरी दुनिया आज टिकी हुई है सेमी नहीं होगा तो ये जो सेलफोन मेरे हाथ में है वो भी नहीं होगा सेमीकंडक्टर नहीं होगा तो जिस लैपटॉप से मैं आप लोगों के सामने आज लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ और मैं आपकी कमेंट्स देख पा रहा हूँ वो भी नहीं होगा सेमीकंडक्टर नहीं होगा तो एलईडी नहीं होगी अब छोड़ दो तो पूरी दुनिया ही बर्बाद हो गई बोलो समझ पड़ा मेरे लाल बाल गोपाल चमकीला मेरे लाल बाल गोपाल अच्छे से समझ में आया ये टॉपिक्स कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो इन्फॉर्मेटिव बहुत ज़्यादा हैं हालांकि अभी तक सी और किसी भी स्टेट बोर्ड के अंदर मैंने देखा नहीं है अब तक लोग क्या पूछते हैं एन टाइप सेमी कंडेक्टर पी टाइप सेमीकंडेक्टर में डिफरेंस फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट बट आपको ये अच्छे से पढ़ना है जो भी मैंने बोला अगर ध्यान से तुमने सुना है मेरे लाल बल गोपाल तो वो तुम्हारे दिमाग से आया तुम्हारे दिल में आया होगा बोल चमचम चमकीला चम कुछ भी नहीं है फिनोमिना है सोलर सेल और ये अच्छा एक मार्क्स का क्वेश्चन क्या सोलर सेल को किसी भी तरह की बायसिंग की जरूरत है सोलर सेल में कोई बाइसिंग नहीं था इसमें बाइसिंग की जरूरत है ना आप में से बहुत लोग मुझसे ये पूछ सकते हो कि सर फॉरवर्ड बायस में क्या बुराई है तो बच्चा फॉरवर्ड बायस में करंट बढ़ता ही रहता है लाइट गिरेगी तो वो और बढ़ेगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कि लाइट बढ़ने के बाद बढ़ा है लाइट गिरने के बाद बढ़ा है करंट या पहले से बढ़ रहा है तो उसमें प्रेडिक्ट कर पाना एज अ काउंटिंग मशीन इज क्वाइट डिफिकल्ट टिंग माई पॉइंट बट इन द केस ऑफ रिवर्स इज द एडवांटेज ऑफी पहले सेनालाइज so, की कि कितने लोग आए थे या कितनी नोट यहाँ से गुजरी है जितने बार लाइट कटी है उतने बार सिग्नल डिप गया है सिग्नल जितने बार डिप गया है आप वेलकाउंट कर सकते हैं उसको बोलो चमचम चमकीला चम लागिला 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 स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से तरी माटी तारीमाटे माटी तो ये हो गया हमारा फोटो डायोड और ये हमारा था इससे पहले सोलर सेल अब एक काम और आपको करना है आपकी एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक उठाना है उसके अंदर फोटो डायोड में और सोलर सेल के अंदर जो एप्लीकेशंस है वो भी अच्छे से याद कर लेना प्लस एट द सेम टाइम गूगल से इनके 10 से 12 एप्लीकेशंस आपके मेमोरी कार्ड के अंदर होने चाहिए प्लस और माइनस आपस में डिफ्यूज इसलिए नहीं होंगे क्योंकि ऑलरेडी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जैसे ही वो लोग पैदा होते हैं ना तो उनको पता है पप्पा लोग बाहर खड़े हुए इलेक्ट्रिक फील्ड और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा माइनस को खींच लेगा प्लस के साइड में ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लस को खींच लेगा इधर अगर ये नहीं होते तो हो सकता है डिफ्यूज हो जाते बट डिफ्यूज नहीं होंगे क्यों, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है समझ पड़ी मेरी बात बच्चा पार्टी क्या करना है आपको आपकी टेक्स्ट टेक्सटबुक से इनके सारे एप्लीकेशन अच्छे से रीड कर लेना है प्लस एट द सेम टाइम सेम टॉपिक है एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड आपको लाइट एमिटिंग डायोड भी पढ़ना है पढ़ने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एस एस पी वाले चैनल पर के वीडियो को देख लो एलईडी पूरा तैयार हो जाएगा अब पूरा बात ध्यान से सुने एन टाइप सेमी कंडक्टर पी टाइप सेमी कंडक्टर पी एन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस हाफ व्यवर रेक्टिफायर सर्किट फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट फिल्टर सर्किट एनर्जी बैंड थ्योरी ये सारी चीजें में से सवाल इस चैप्टर से आते हैं और वही करना है न्यूमेरिकल है ही नहीं, नहीं इसमें क्योंकि ट्रांजिस्टर गया एलईडी बाई एस एस पी सर सर्च करेंगे यूट्यूब पे या सीधा प्ले लिस्ट में जाएंगे आपको मिल जाएगा गॉट माई पॉइंट माई लाल बाल गोपाल ये चीज पढ़ना है कल से मॉडर्न फिजिक्स का नया चैप्टर एटम स्टार्ट करने जा रहा हूं नो न्यूमेरिकल फ्रॉम दिस चैप्टर रीजन एक ही है कि छह फॉर्मूले हैं और वो ट्रांजिस्टर के और ट्रांजिस्टर नहीं आ रहा है एटम येस yes. कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे एटम तो ये चैप्टर आपका फिनिश अब एटम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियस उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वे और ड्यूल नेचर था सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टिल डू टिलर यू वॉन्ट टू डू मैन बट डोंबल यूम थैंक यू सो मच बच्चा सी यू टेक केयर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में